अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इत्तेजाज अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। और भाई आज भरपूर काफी सख्त एनर्जी के साथ जो मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपको दो हफ्ते पहले की बात बताऊं तो मैं एक शॉप पर गया था जो कि मेरे दोस्त की एक कंप्यूटर वाली शॉप है। उसने मुझे कहा था कि यार एहसन आपको तो कस्टमर पीसी तैयार करने ही नहीं ना आते, मतलब अगर आपको आते थे तो आपको यूट्यूब से ऑर्डर्स आते हैं, आप कर देते तो गेम बजाना पड़ेगा। तो आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो आपके भाई का ना भेजा तब से फ्राई हो गया वाला। मैंने ये सोचा था यार कि अगर ये कर सकता ना तो काम तो हम लोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास कभी पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे तो मैं ज्यादा कस्टम पीसी की तरफ ना देखता नहीं था। खैर कल क्या हुआ, कल एक भाई का ऑर्डर आया कि ऐसे में मुझे कस्टम पीसी तैयार करना है। मैंने ना भाई से ऑर्डर ले लिया, उन्होंने मुझे आधी पेमेंट जो है वो एडवांस सेंड भी कर दी। अब आपका भाई ना चार्ज हो गया पूरी तरह। तो सबसे पहले एक ये पीसी आपके भाई ने तैयार किया है, ये RGB है, कस्टम H61 बोर्ड है, i5 थर्ड जनरेशन, i7 थर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्ड जो है वो आप बड़ा लगा सकते हैं, सप्लाई बड़ी लगा दी है। लेकिन जो भाई का पीसी तैयार किया है ना वो है भाई साहब ये वाला, ये गन भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये सिर्फ तैयार करना था, रात को सारा तैयार किया ना, लेकिन आपके भाई एक्सपर्ट हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इसमें जो सिस्टम है ना भाई साहब वो मैं आप लोगों को थोड़ा टूर करवा देता हूँ। अभी खैर इसकी वायर्स वगैरह सेट करनी है। H81 बोर्ड लगाया है इसके अंदर मैंने, 500 की सप्लाई लगा दी है इसके अंदर, और भाई साहब ये लेवल का पीसी तैयार हो गया। बड़ा कार्ड आप इसके अंदर लगा के आराम से हैवी गेमिंग कर सकते हैं। तो भाई का जो पीसी तैयार करना था उसमें 16 GB रैम है, 500 GB हार्ड 128 SSD और i5 4th जनरेशन 750 Ti के साथ। तो अब हमारे चैनल के ऊपर आपको कस्टम पीसी भी देखने के लिए मिलेगा, और उसके साथ साथ 750 Ti की परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि कस्टम पीसी के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलती है। अब इस पीसी की प्राइस ही होने वाली है, कस्टमर का जो पीसी तैयार करेंगे उसकी परफॉर्मेंस कैसी देखने के लिए मिलने वाली है, इस केस का डिजाइन आपको कैसा देखने के लिए मिलने वाला है, वो हम सब आगे चल के चेक करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार अब बारी है, हमने कस्टमर की जो चीजें हैं ना वो निकालनी है, जो उसकी पीसी में लगानी है। तो यहां से हम लोग निकालते हैं भाई 750 Ti को। इसको मैं यहां पर निकाल के आप लोगों को दिखा देता हूं। और भाई क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो ये है भाई 750 Ti। अब यहां पर हम निकालेंगे भाई साहब 16 GB रैम, और यहाँ पर पड़ी है हमारी अपाहिज हार्ड और SSD। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं जल्दी से अपने सेटअप को पहले यहाँ पर रेडी करता हूँ, फिर ये चीज़ें हम इसमें लगाते हैं, देन फिर हम लोग चेक करते हैं कि भाई साहब इस पीसी में क्या परफॉर्मेंस निकल कर आती है। तो यार पार्ट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं जो हमने इसमें लगाने हैं, प्लस इसके अंदर बोर्ड वगैरह मैंने रात को फिट कर लिया था। लेकिन अब मेरे भाइयों के लिए ना एक छोटा सा एडवांटेज और है, जिस भाई को ये बोर्ड भी लगाना कैसे लगाते हैं ना, फिट करने का तरीका नहीं पता, तो यार आपका भाई हाजिर है। तो अगर अभी तो हम लोग इसकी परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं इसमें हार्ड SSD और कार्ड वगैरह लगा के, लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि एहसन भाई से आप सीखो कि आपको बोर्ड खुद कैसे तैयार करना है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट में मेंशन करना। मैं आपके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये बोर्ड की फिटिंग, सप्लाई कैसे लगाते हैं, वायर्स कैसे लगाते हैं, वो आपको एक एक चीज समझा दूंगा। मेरी तरफ से मेरे भाइयों के लिए प्यारा सा गिफ्ट होगा। तो जल्दी से मैं ये पार्ट्स इसमें लगा लेता हूं, फिर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो भाई पार्ट्स मैंने यहाँ पर सारे लगा लिए हैं, LED के साथ मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको जो थोड़े बहुत ड्राइवर्स हैं वो कर लेता हूँ। और उससे पहले भी मैं देता हूँ आप लोगों को एक इसकी प्यारी सी लुक ऑन करके, फिर उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं।
2000 years later. तो भाई पीसी जो है वो हमारा ऑन हो चुका है डबल से ट्रिपल एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि आपके भाई ने पीसी खुद तैयार किया, तो थोड़ी थोड़ी ना मुझे ऐसे हो रहा है थोड़ा सा। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो खैर सबसे पहले हम चलते हैं भाई इसके प्रोसेसर की तरफ। i5 470S प्रोसेसर है, 2.90 GHz का प्रोसेसर है, 16 GB रैम है। लेकिन आपको पता है कि अब आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, मैं नहीं करूंगा क्योंकि नया नया काम है, मुझे डर लगता है। खैर अगर मैं कार्ड की बात करूं तो जो कार्ड हम लोगों ने इसके अंदर लगाया हुआ है वो है भाई साहब, यहां पर आप लोग चेकआउट कर लो, NVIDIA G4 GTX 750 Ti 2GB DDR5 256 है मेरे ख्याल में ये। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली गेम की तरफ जो के है भाई साहब GTA 5। तो मैं GTA 5 को ऑन कर लेता हूँ, गेम ऑन हो जाए फिर चेक करते हैं कि भाई कुछ फर्क पड़ता है पीसी कस्टम करने से या नहीं करता। गेम हमारी ऑन हो गई है और अब कुछ सेटिंग्स की बारी है, तो आप लोग भी देख लो मैं क्या क्या सेटिंग्स करता हूँ। ग्राफिक्स में जाकर ये ऑफ को मैं ऑफ कर देता हूँ और यहां से भी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इधर से मैं रखता हूँ 1280x1024 पे ताकि पता चले ना क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। ओके, तो आप लोग के सामने ही FPS जो भी हैं। अच्छा ये ना इसमें जो एक लैग आ रहा है ना वो आप लोगों ने जो बताना है किस चीज का आ रहा है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि जब हम लोग ये GTA 5 डाउनलोड करते हैं तब ये आता है, क्योंकि इसमें आपको जो गेम है वो आप फोल्डर्स को आपको पता है एक्सट्रैक्ट करके डालते हो उसके अंदर, इस वजह से। लेकिन कभी कभार ये करता है, बाकी ठीक ही चलता है। और आप लोग चेक कर लो यार 130 FPS आ रहे हैं और मेरी बांदरी थक गई है। खैर इसको मैं इस गाड़ी में बिठा के थोड़ा से गाड़ी को ट्राई आउट करता हूँ कि क्या सीन सिनेरियो है। ओए हो मालक के पास से गुजर के आए हम लोग। ओके यार तो गेमिंग एक्सपीरियंस पता चल रहा है। और कहाँ जाएं हम, कहाँ जाएं, पेट्रोल डलवा लें। मेरे पास मत आना मैं बर्बाद कर दूंगी। इधर आ क्यों, मैंने क्या किया है, तेरा पंप तोड़ दिया जो तू मुझे मारने आ रहा है। इधर आ छीमो, इधर आ रोड देखो रे। ओ शायद की मक्खी इतना पीछे पड़ गई। इधर। खैर गेम हमारी काफी लेवल की चल रही है, आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूं बंद। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम अपनी फोर्जा होरिजन 5 की तरफ, वो भी गेम चेक होने वाली है। तो फोर्जा होरिजन 5 को मैं ऑन कर लेता हूं। गेम ऑन होती है क्योंकि ये लोडिंग में भाई साहब बहुत टाइम लेती है, गेम ऑन होती है तो फिर मैं आप लोगों को चेक करवाता हूं। तो गेम जो है ना वो हमारी ऑन होगी, लेकिन अगर सच्ची बताऊं तो जब भी मैंने कोई पावरफुल पीसी तैयार किया ना उसके अंदर गेम की बूटिंग जो टाइम था ना, यानी कि गेम अब बिल्कुल ये देखो जो ऑन हो गई है, ये टाइम काफी ज्यादा लगता रहा। इसने 5 मिनट में मुझे कर दिया। तो खैर चेक कर लेते हैं क्या सिनेरियो है। गाड़ी वो कह रहा है यहां से उतार लो, तो गाड़ी को हम उतार लेते हैं। और FPS भी मेरे ख्याल में, अच्छा FPS ऊपर चले गए 80 के राउंड अबाउट FPS। वैसे इस कार्ड पे मैंने नॉर्मल चेक किए थे तो 40-50 के राउंड अबाउट आ रहे थे, लेकिन अभी 80 तक FPS गए हैं। वही चेक करना है कि गेम जब शुरू होती है तब कितने FPS देता है ये। ओके तो अभी FPS नीचे ही है, लेकिन अगर गेम की स्मूथनेस की बात की जाए तो बहुत स्मूथ गेम चल रही है। ओके ये 49 पर समझ लें कि आके रुक गए हैं, 50 से ऊपर चले गए। ओके 60 FPS। ओ देखो थका हुआ ड्राइवर है आपको, 60 से भी ऊपर FPS, 70 के राउंड अबाउट हो गए। ओके यार तो गेम काफी लेवल की चल रही है, इसको मैं कर लेता हूं बंद। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, गेम लूप को ऑन करते हैं, पबजी और फ्री फायर को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन तो आप लोगों ने नीचे कमेंटों में यही कमेंट करना है कि एसन भाई पबजी और फ्री फायर कहां गई है। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है, मैंने 60 FPS पर रखा हुआ है, 90 FPS का भी ऑप्शन है, लेकिन आप चेक कर लो कि अभी इसमें लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा। बाकी अब हम गेम खेल के चेक कर लेते हैं कि क्या सिस्टम है।
ओए होए, तो यार आपके भाई को मार दिया काफी देर किल करने के बाद। और सच्ची बताऊं बहुत मजा आ रहा था, गेम को मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं भाई हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जो के है फ्री फायर। तो मैं फ्री फायर को जल्दी से ऑन करता हूं, फ्री फायर ऑन हो जाए फिर हम लोग चेक करते हैं। तो यार गेम हमारी ऑन हो गई है और FPS आप लोग खुद साथ साथ देखते रहो, लेकिन मुझे पता है कि गेम काफी ज्यादा सुपर की डुपर चलने वाली है। अब गेम ऑन हो जाए, बाकी इसकी परफॉर्मेंस हम लोग गेम के दौरान चेक करते हैं। ओए हो जम के मुकाबला हुआ मेरा और उसका, मुझे सेंसिटिविटी बता रू 5 से ठीक होती है, मैं इनको हेडशॉट मारूंगा। खैर गेम हमारी काफी लेवल की चल रही है, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई मैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। मैं ऑन कर लेता हूँ Assassin's Creed Odyssey को, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं देखूँ कि उसकी परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने के लिए मिलती है। तो गेम जैसी ऑन होती है मैं फिर आप लोगों को चेक करवाता हूँ। और यार गेम हमारी ऑन हो चुकी है एंड दिस इज कॉल्ड द मजे की गेमिंग। यार काफी मजे की चल रही है गेम और ये ग्राफिक्स इस पे फुल है, हाफ ग्राफिक्स पे नहीं ये चल रही, ये फुल हाई ग्राफिक्स पे चल रही है। ओए हो ये इसके बाद इधर आओ छोरे। ओए हो मम्मी को बोलो कौन प्लान पिलाएं, ताकत देखिए मेरे एक पाऊं के कसून में। ये और ये और एक ये भी लो मज का, ये 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 ये। अच्छा खैर गेम बहुत मजे की चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई हम अपनी एक नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है Palworld। Palworld को भी मैं ऑन कर लेता हूँ क्योंकि गेम्स हमारी काफी ज्यादा हो गई है, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो Palworld जैसे ऑन होती है फिर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ओके गेम तो काफी स्मूथ चल रही है लेकिन FPS कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। खैर अब हम ये घोड़े के ऊपर सवार होने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे इस तक के लिए। अल्लाह चल परे भाई चल चल बस चल ही रोना बनना से तो चल ना से तो ये क्या चीज है, लग रही मुझे मैं समझ लगी नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में। अल्लाह खैर मैं मरने वाला हूँ, 30 FPS आ रही गेम अच्छी चल रही है, इसको मैं कर लेता हूँ बंद। अब अगर हम इस PC की बात करें तो यार इस PC में आपको 16 GB रैम जो कार्ड आपका लगा हुआ है वो है NVIDIA GeForce 750 Ti 2 GB वाला 500 GB हार्ड 128 SSD i5 4th generation और उसके साथ आपको मिल जाएगा H81 बोर्ड और ये केस।
अगर इस प्राइस की बात करें तो भाई को मैंने ये 55,000 का तैयार करके दिया, क्योंकि इसके अंदर कार्ड भी बड़ा है और आपकी जो बॉडी है ये बिल्कुल पिन पैक है न्यू। अगर तो यूज में हो तो फिर उसकी प्राइस कुछ कम हो जाती है, लेकिन जो बॉडी है वो भी बिल्कुल न्यू है और आप समझ लें कि कार्ड भी एक हिसाब का हमारे पास न्यू ही पड़ा हुआ था। अगर कस्टमर बाइंग हो तो वो आपको प्राइस थोड़ी सी लेस हो जाएगी वहां से। उसके अलावा अगर बात करूं तो यार अब आपका भाई जो है ना वो कस्टम पीसी के अंदर आ गए काम करने के लिए, और अब इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल के ऊपर कस्टम पीसी भी आप लोगों को देखने के लिए मिला करेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक कस्टम पीसी आपके सामने तैयार करूं तो वो भी मुझे बताना, ताकि जिन भाइयों को कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो मेरी वीडियो देख के घर बैठ के इजीली उसको ठीक कर सके। आपका इस पीसी के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और प्राइस पे अगर देखो आपने बनवाना है तो ठीक है, नहीं बनवाना तो जोर देने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं और से सस्ता मिल जाता है तो आप बाय कर सकते हो। मेरा प्रस्पेक्टिव है आपको चीज दिखाना, आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाना और अब तो उसको तैयार करना भी दिखाना, ये मेरा प्रस्पेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी कस्टम पीसी का या किसी भी चीज का ऑर्डर बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर आके आप मुझसे इसका ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।